सोमवार को संभल के चौधरी सराय पहुंचे ओवैसी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव है, अभी से ही तैयारियां की जा रही हैं। इसी सिलसिले में संभल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में संभल पहुंचे ओवैसी ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को महिलाओं के खिलाफ बताया और सरकार पर रोजगार नहीं देने की बात कही। साथ ही कहा कि सरकार शिक्षा दे नहीं पा रही और स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में हजारों लोगों ने जान गंवा दी। जनसंख्या को ताकत बनाने के बजाय सरकार कमजोरी बना रही है। इस कानून से महिलाओं का शोषण होगा और गर्भपात की दर बढ़ेगी। गुरुवार को संभल के चौधरी सराय पहुंचे ओवैसी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव है, अभी से ही तैयारियां की जा रही है। ये बड़े ही दुख की और अफसोस की बात है और बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफ, उनकी मौत, उनकी बेबसी से इतना डिस्कनेक्ट हैं देश के प्रधानमंत्री कि आज बजाय वो हकीकत का इकरार करते और वो ये कहते कि उत्तर प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सरकार कोविड के सेकेंड वेव में देश की जनता को उनकी जान नाकाम साबित हुई, बजाय अपनी नाकामी को कबूल करने के, अपनी फेलियर्स को मानने के, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जो कम से कम 2 से 3 लाख लोग की सेकेंड वेव कोविड में जो मौत हुई है, जिनकी लाशें आपने मीडिया ने दिखाई कि पानी के ऊपर तीर रही थी, जिनकी लाशें किनारों पर निकल कर आ रही थी तो कुत्ते उनको खा रहे थे, वो मरने वालों की लाशें प्रधानमंत्री ये भूल चुके हैं कि वो किसी के बाप की थी, किसी के माँ की थी, किसी के बेटे की थी और उनकी ज़िंदगी की एक डिग्निटी थी। तो बड़े ही अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने उस प्रदेश में आकर जहां से वो वहां के एमपी भी हैं, वो अपनी नाकामी को, अपने स्टेट के गवर्नमेंट की नाकामी को कबूल करते, उन्होंने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। अगर वो इस बात का इकरार कर लेते कि हाँ, जो जनता ने हमसे एक्सपेक्टेशन किया था हम उस पर नहीं उतरे, यकीनन उन मरने वाले परिवार को थोड़ी सी राहत होती कि चलो देश का हमारा जो प्रधानमंत्री है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया, मेजॉरिटी दी, वो हमारी तकलीफ को समझता है। देखिए, आप और हम इंशाअल्लाह ताला नहीं मालूम कितनी जल्दी कोर्ट उसका फैसला करेगा, मगर अगर कल कोर्ट उनको अपने फैसले में उनको बेगुनाह करार देता है तो क्या जो मीडिया और जो मीडिया के चैनल पर जाकर लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या वो माफ़ी चाहेंगे? ऐसे कई केसेस हैं जहां पर इनिशियल स्टेज में तो बड़ा ही रोमांटिसाइज किया जाता है, उसको बड़ा ही बड़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, मगर 8 साल 6 साल के बाद उनको कोर्ट बरी कर देता है तो मीडिया में उसको आधे मिनट का भी नहीं दिखाया जाता। तो हम इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कोर्ट में ये कहां तक साबित होगा या नहीं होगा। क्या आप इस कार्रवाई को 2022 के चुनाव से जोड़ के देखते हैं? मैं आपको जानता हूं आप कहां से आ रहे हैं। मैं यही बता रहा हूं कि 2022 के असेंबली विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सरकार की गवर्नेंस की नाकामी, कोविड में उत्तर प्रदेश की जनता को यतीम और यसीर बनाकर छोड़ देना और इस बात का उनको एहसास दिला देना कि योगी आदित्यनाथ की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी है और मिसगवर्नेंस इतना है कि जेल में जाकर किसी की हत्या की जाती है, मिसगवर्नेंस इतना है
कि रूल ऑफ लॉ के बजाय रूल बाय गन का गवर्नेंस यहां पर चला है। लाखों करोड़ों की तादाद में उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार हो चुका है। किसान परेशान है मोदी सरकार की किसान पॉलिसी के, उसमें आज भी आप देखते हैं कि महीनों हो चुके हैं किसान डटा हुआ है अपनी जगह पर। माइनॉरिटीज के लिए कोई स्कूल का इंतजाम नहीं। यही संभल में बताइए, आपने 5-4.5 साल में कोई डिग्री कॉलेज खोला सिवाय MQM के? उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट स्कूल में अगर किसी का है तो मुसलमानों का है। लिटरेसी रेट अगर किसी का कम है तो मुसलमानों का है, और फीमेल में सबसे कम है तो मुस्लिम महिलाओं का है। ग्रेजुएशन में सबसे कम है तो मुसलमान है, PG में सबसे कम है तो मुसलमान है। क्या गवर्नेंस आपने किया? तो ये मुद्दे रहेंगे, और उत्तर प्रदेश की जनता जो उन लोगों की जाने चली गई कोविड में, जिसकी योगी सरकार उनको ना ऑक्सीजन मुहैया कर सकी ना वक्त पर उनको दवाई पहुंचा सकी, ये सब मुद्दे रहेंगे। तो प्रधानमंत्री आप जब प्रधानमंत्री की बात या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनेंगे या नहीं सुनेंगे मुझे नहीं मालूम। जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं तो क्या उनका मुख्यमंत्री सुनेगा? ये तो आपको सवाल उनसे करना चाहिए, आप खामखा मुझसे कर रहे हैं। एक बात मुरादाबाद, अच्छा अभी आप पूछिए। समाजवादी पार्टी, अच्छा बोलिए 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 बोलिए।